और गाइस आज मैं पहुंच गया हूं आपको लेकर सेक्टर 11 द्वारका में। आज मैं लेकर आ गया हूं आपको द्वारका सेक्टर 11 में, जहां पर लगा हुआ है मेला। और उस मेले में जो सबसे बड़ा अट्रैक्शन है वो है यहां पे, यहां पर जो सबसे बड़ा अट्रैक्शन जो यहां पे है वो है मेले में एक्वेरियम जो है। इस मेले में जो है तो गाइस मैं आपको लेकर आ गया हूँ, और इस मेले में जो सबसे बड़ा अट्रैक्शन है वो है यहाँ का एक्वेरियम, जो कि एक अंडरग्राउंड एक्वेरियम बनाया गया है। शायद दिल्ली में पहली बार ऐसा बनाया हुआ है, तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, और इसके बारे में और बताते हैं आपको। तो गाइस मैं अब अंदर आ गया हूँ, आप देख रहे हो कि यहाँ पे इस समय कितनी भीड़ हो रखी है। और आज है ट्यूसडे, और आप देखिए कि अब आप देखेंगे कितना क्राउड हो रहा है यहाँ पे इस समय। ये देखिए गाइस एंट्रेंस, और इस समय सारे लोग ना ज़्यादा एक्साइटेड हैं, इसलिए सारी भीड़ जो है यहाँ पे ही आ गई है। लेकिन और एक एक फिश को दिखाना इस समय मुश्किल तो होगा, कोशिश करते हैं कि आपको दिखाने की सारी चीज़ें। ये देखिए पहला एक्वेरियम है, और यहाँ पर ये फिशेज ऐसे लग रही है जैसे कि ये बिल्कुल सबके सब रुकी हुई है, लेकिन ये बहुत ही छोटी फिशेज है यहाँ पे। ये देखिए, और यहाँ पे जो फिशेज आपको देखने को मिलेगी ना गाइस, ये आपको दिल्ली जू के एक्वेरियम में भी नहीं मिलेगी। ये गाइस एक्वेरियम, यहाँ पे क्रैब्स दिखा रखे हैं, बहुत सारे क्रैब्स हैं यहाँ पे। ये देखिएगा ये जो विषय ना, ये स्टिल भी है और मचल भी रही है। ये देखिए बहुत सारी फिशेज है, जो अलग अलग फिशेज है। ये देखिएगा इस एक और ये फिशेज है, ये देखो सारे फिशेज एक साथ यहाँ पे। ये देखिएगा इस दो फिशेज एक साथ, इतनी सारी फिशेज गाइस आपको मिलेगी नहीं कहीं पे भी देखने के लिए, और दिल्ली जू में तो वैसे भी नहीं है। बेहतर होता कि इनका नाम भी यहाँ पे लिखा होता तो लोगों को पता चल जाता कि इन फिशेज का नाम क्या है। बहुत सारी फिशेज हैं, इनकी स्पीशीज अलग अलग। ये देखिए गाइस काफ़ी सारी फिशेज हैं यहाँ पे, अलग अलग कलर की, ऑरेंज है। और ये देखिए कितनी प्यारी फिश है यहाँ पर, वाओ ब्यूटीफुल। ये देखिए देखिएगा इस अलग अलग कलर की फिशेज हैं सारी। ये देखिएगा सारी ऑरेंज कलर की फिशेज है ये। और ये आ गया गाइस ओवर द टॉप एक्वेरियम, यहाँ पे इतनी भीड़ है वीडियो बनाना मुश्किल। ये देखिए गाइस यहाँ पे भी छोटी बड़ी फिशेज जो है। हेलो हेलो, बहुत खूबसूरती से गाइस सारे फिशेज को यहाँ पे रखा हुआ है, और बहुत अच्छा लग रहा है। ये भी बहुत सारी जो है चलो
सोती हुई फिश है गाइस, ये सो रही है, देखिए कितना अमेजिंग। इसके स्किन के पैटर्न को देखिए, कितनी खूबसूरत फिश है यहाँ पे। ये देखिए ऊपर और बड़ी फिशेस, अमेजिंग। यहाँ पर बहुत सारी फिशेस एक साथ इकट्ठी हो रखी है। इतनी सारी भीड़ देखकर आप खुद ही अंदाजा ला सकते हैं कि सारे लोगों को कितना क्रेज है फिशेस के लिए, और डेफिनेटली सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। ये देखो गाइस, बहुत सारे लोग और बहुत सारे फिशेस लोग एंजॉय करते हुए। ये देखिए गाइस, मल्टी कलर की फिश। अच्छा होता है सबका नाम यहाँ पे लिखा होता तो सबको पता चल जाता कि ये कौन कौन सी स्पीसीज है। गाइस बदले में ज़्यादा तो लोगों को मछलियों के साथ फ़ोटो खिंचाने का, मैक्सिमम टाइम लोगों को काफ़ी क्रेज़ है फोटोज़ का। ये देखिए कितनी सुंदर मछली चलती हुई, वाइट मछली। देखिए बड़ी मछली, काफ़ी लंबी मछली यहाँ पर, बिल्कुल शांत है सोती हुई। और लुक एट दिस वन, बहुत ही बड़ी मछली एंड स्लीपिंग आई थिंक। ये देखिए यहाँ पे भी है, वाओ। सबसे लंबी फिश, वाओ। तो गाइस ये एक्वेरियम का था एक छोटा सा टूर, उसके बाद यहाँ पे लगा हुआ है मेला। और ये देखिए गाइस, यहाँ पे लगा है स्टार इंडिया रेडियो प्रेजेंट्स होली रंग उत्सव, जो कि मार्च 24 को ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा। तो नेक्स्ट वीक ये 10 बजे से 3:30 बजे तक यहाँ पे रहेगा, जहाँ पे लाइव डीजे, लाइव ढोल, ठंडाई, स्नैक्स, वाटर पूल, ऑर्गेनिक गुलाल, फ़ोटो कॉर्नर इत्यादि की सारी व्यवस्था की गई है। और यहाँ पे आए हुए लोग ढेर सारे, यहाँ बहुत सारे अलग अलग तरह की स्टॉल्स लगी हुई है चारों तरफ। और ये देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट्स है 50 रुपीज़, 20 रुपीज़, अलग अलग स्टॉल्स है। ये कुछ गाइस पीस से रिलेटेड कोई थीम पे कुछ ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है, टाइमलेस टुडे की तरफ से मे बी। और बहुत सारे स्टॉल्स हैं यहाँ पर अलग अलग, ये देखेंगे आप फ्री गेम। देखिए गाइस 50 रुपीज़ टिकट है इसकी, भूत बंगला है, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। स्टॉल्स है सारी, गाइस 31 तारीख तक ये जो है मेला चलने वाला है यहाँ पे द्वारका सेक्टर 11। बच्चों के लिए ट्रैम्पोलिन, ये मैरी गो राउंड, ये देखिए ये बड़े झूले एक साइड में लगाए हुए हैं, बच्चे बड़े झूलते हुए। अमेरिकन बुक्का, स्वीट कॉर्न यहाँ पर, बाकी सारी लोकल फूड्स की फैसिलिटी यहाँ पे दी हुई है। बहुत सारे लोगों को गाइस यहाँ पे झूलों के बारे में पता नहीं होता है, तो आखिर अगर उनके नाम यहाँ पे लिखे जाए तो बेटर होगा। ये फेरिस व्हील है, ये तो सबको मालूम है, ये सबसे बड़ा झूला होता है, तो
किला बाइक ये झूला बाकी है यहाँ पर कुछ रिंग स्टॉल्स जिसमें कि आप देखेंगे आप इसमें रिंग्स डालेंगे यहाँ पर गाइस यहाँ पे है ये लोग जिन्होंने रिंग स्टॉल लगा रखी है 100 rupees जो है चार्जेस है यहाँ पे इन सब का। यहाँ पर लोकल फूड्स एंजॉय करते हुए अलग अलग थीम्स पे इन्होंने यहाँ पे आइसक्रीम काउंटर बच्चों के लिए जो है यहाँ पे आई थिंक इसका भी 100 rupees चार्ज होगा। और ये कुछ है गाइस आई थिंक ये कुछ 3D से रिलेटेड कुछ है एंटरटेनमेंट के लिए। पहले सारे झूले गाइस अपूगर में हुआ करते थे दिल्ली में, जिस समय दिल्ली में अपूगर हुआ करता था। ये देखिए मुझे याद है कि मैंने बचपन में ये सब चलाया हुआ है। देखिए छोटे बच्चों के लिए स्लाइडिंग बलून यहाँ पे लगा रखा है और ये है ट्रैम्पोलिन 50 rupees चार्ज है गाइस इसके। और आई थिंक यहाँ पर जो है गाइस वसंत एंड होली महोत्सव जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाएगा। बच्चों के लिए पूल बनाया हुआ है और एक ये आईफिल टॉवर है गाइस इसको भी यहाँ पे बना रखा है। ये देखिए अभी इसमें शाम है अभी लाइट्स ऑन नहीं है, तो लाइट्स ऑन कर दी जाएगी तब मैं आपको दिखाऊंगा कि कितना अच्छा लगता है और कैसा लगता है। 150 rupees गाइस एंट्री थी अंदर आने की जो जिसमें इंक्लूड था एक्वेरियम और उसके बाद यहाँ पर अलग अलग स्टॉल्स पर जो है अलग अलग प्राइजेस है सब चीज़ों के। क्या गाइस 1, 2, 3, 4 जो है 3 rows बना रखे हैं गाइस, उसमें जो है सारी चीज़ें मिल आपको यहाँ पे मिलेंगी। ये देखिए घर का सामान सेल पे, उसके अलावा क्लॉथिंग्स है। तो गाइस वेट करते हैं अभी अंधेरा होने का और फिर आपको दिखाते हैं कि यहाँ की लाइटनिंग कैसी है और कैसा लगता है रात में। तो गाइस अब हो चुकी है रात और रात में जो लाइटनिंग का मजा है वो अब आप देख सकते हैं कि इस समय मेले में चारों तरफ लाइट जो है प्रॉपर जला दी गई है। और आप देखिए कि जितने भी झूले हैं वो सारे कितने दूर से कितने अच्छे लग रहे हैं, पास से शायद जो बड़ा झूला था वो दिख नहीं रहा था लेकिन मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। ये देखिए ये एक बिल्कुल ही फ्लावर की तरह घूमता हुआ झूला बना हुआ है। फेरी व्हील जो है दूर से बिल्कुल एकदम फ्लावर घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। और उसके अलावा गाइस भीड़ बहुत हो रखी है और इस समय रात में बहुत ज़्यादा क्राउड हो गया चारों तरफ। सबसे ज़्यादा क्राउड आपका झूलों खाने पीने की जगहों पे दिखेगा और झूलों पर दिखेगा। या देखिए और रात में झूले अच्छे भी लग रहे हैं और लाइटनिंग मेलों में जब होती है तो बहुत बढ़िया दिखाई देती है। बाकी सारे फूड स्टॉल में भीड़ लगी हुई है और आप देख सकते हैं कि मेले का क्रेज़ जो है कभी किसी ज़माने में ख़त्म हो गया था लेकिन अब जो है लोग काफ़ी इंटरेस्ट लेने लग गए। और ये देखिए ख़ासतौर पे बच्चों के लिए जो अट्रैक्शन बन चुके हैं सारे मेले और बच्चे और पेरेंट्स सब एंजॉय करते हैं साथ में, साथ ही साथ जो यंग जनरेशन है वो भी यहाँ पर आके एंजॉय करती है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि मेले का जो मज़ा है वो रात के टाइम में ही है जिस समय पे यहाँ पे लाइट्स जो है सारी ऑन कर दी जाती है और सब कुछ काफ़ी बढ़िया जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा अंदर चलते हैं।
बाकी यहाँ पे लाइट जो आईफिल टावर है वो बना रखा है, उस पर लाइट जो है ऑन कर दी गई है। तो ये भी मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे सेल्फी राउंड जो होता है, सेल्फी स्टिक में राउंड लेने के लिए जो है लोग डांस करते हैं, वो यहाँ पे बनाया हुआ है। और ये है आईफिल टावर, यहाँ पर भी लोग फोटो खिंचाते हुए, ये एक जनरली एक फ़ोटो खिंचाने का ही जो है पॉइंट बना हुआ है, सब लोग यहाँ पे फ़ोटो खिंचाते हुए। बाकी छोटे बड़े स्टॉल्स अलग अलग लोगों के इंटरेस्ट के हिसाब से यहाँ पे, ये बसंत महोत्सव जो है वो यहाँ पे कुछ एक्टिविटी होते हुए, ये देखिए सामने स्लाइड छोटे बच्चों के लिए, सबसे ज़्यादा बच्चे एंजॉय इसी में ही करते हैं। और ये गाइस कार चलाने के लिए जो मैंने पहले दिखाया था आपको, इसकी टिकट जो है 150 रुपीज़ है, यहाँ पे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। ये देखिए एक ये झूला मैंने दिखाया था आपको रात में, गाइस कलर्स जो है बहुत अच्छे हो जाते हैं और लाइटनिंग की वजह से बहुत सारी चीज़ों में जो है क्लैरिटी आ जाती है। देखिए छोटे बड़े सब एंजॉय करते हुए। ओके गाइस, गाइस ये था मेरा वीडियो द्वारका मेले का, आप आ गए हैं तो अब है जाने का समय, आपको दिखा दिया पूरा का पूरा मैंने। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया हो, और 31 तारीख तक का जो टाइम है वो अभी बचा हुआ है आपके पास, तो होली के बाद भी आप यहाँ पे आके एंजॉय कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया गाइस तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर दीजिए, और मिलेंगे आपको एक न्यू वीडियो के साथ में अलग लोकेशन पर। जी हाँ गाइस, हैव अ नाइस डे, बाय।